Hello childrens, good morning to all of you. Today I am going to explain you exercise 4.3. Students, as you know that we had completed exercise 4.2. Childrens, in your exercise, in this chapter, you will read about the table of squares and cube. बच्चों, आप इस चैप्टर में एक टेबल देखेंगे और उस टेबल से आप स्क्वायर और क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जैसे मैं आपको आपकी बुक से शो करा रही हूँ, देखो ये है ना, ये आप देख रहे हो। आपको यहाँ पर क्या लिखा है, एन। एन मीन्स नंबर। यहाँ पे आपके सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, उसके आगे आपका क्यूब है और उसके आगे उस नंबर का स्क्वायर रूट है और क्यूब रूट है। अब ये n, n स्क्वायर, n क्यूब और n का स्क्वायर रूट और n का क्यूब रूट, ये कैसे आ रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो, आपकी बुक में बना है बच्चों n, n स्क्वायर, n क्यूब। क्या बना है, n, n स्क्वायर, n क्यूब, स्क्वायर रूट n और क्यूब रूट एन। ये चीज़ें बनी हुई हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे समझना है कि इसमें एन क्या है, एन स्क्वायर क्या है, एन क्यूब क्या है और क्यूब रूट एन क्या है, ये आप समझेंगे अब। ठीक, तो देखो, जैसे एन मान लो, एन का मतलब कोई भी नंबर, एन का मतलब बच्चों कोई नंबर, एन मीन्स कोई भी नंबर। जैसे हमने क्या ले लिया, नंबर वन ले लिया। अब यहाँ पे लिखा है n का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो n का स्क्वायर कितना होगा, 1 है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। फिर है n क्यूब, तो n का क्यूब भी कितना होगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का क्यूब भी कितना होता है, 1 होता है। फिर आ रहा अंडर रूट n, तो बच्चों n का 1 का अंडर रूट कितना होगा, 1 का अंडर रूट भी कितना होगा बच्चों, 1 ही होगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 1। अच्छा, 1 का ये सब चीज़ 1 क्यों हो रहा है, देखो अब जैसे आपने क्या किया, 1 का स्क्वायर निकाला ना, तो स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, डबल टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, और जब आप 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 बन जा 1 ही आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो फिर हम यहाँ पे 1 का क्यूब, तो क्यूब कैसे आता है, ये आता है 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तीन बार मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो इसलिए ये भी क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप बच्चों, ये क्यूब रूट अंडर रूट 1 कैसे आ गया, तो इस रूट में हम लोग पेयर से बाहर निकालते हैं, पेयर से बाहर निकल जाएगा तब भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 3 डिजिट के पेयर से बाहर निकालेंगे तो 1 1 1 मल्टीप्लाई 1, सब क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, ये आपको बुक में पूरा टेबल क्या है बना है, इस टेबल से आपको वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे जैसे मान लो नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 है। ठीक, अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको स्क्वायर कैसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 करके, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं मतलब पावर 2 कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 2 का कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, एन क्यूब यानी 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा, ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, कितना होगा 2 का क्यूब, 8 हो गया। फिर है क्यूब रूट, सॉरी स्क्वायर रूट 2, मतलब 2 पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। अगर ये स्क्वायर रूट 4 होता, सपोज दैट अगर ये स्क्वायर रूट 4 होता, तो आप क्या करते, इसको करते 2 मल्टीप्लाई 2, है ना, तो 2 बाहर आ जाता, यहाँ पे आपका 2 कंप्लीट हो जाता। लेकिन हमें करना है स्क्वायर रूट 2, 2 का स्क्वायर पेयर नहीं बन सकता, और आपको पता है जिन नंबरों का पेयर नहीं बनता है उनका हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, डिवीज़न मेथड। तो आप डिवीज़न मेथड अप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 1 टाइम्स जाएंगे, 1 1 1 1, क्या आ गया, 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, ये तो आएगा 1। पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद कितना ज़ीरो बढ़ेगा, 1 0 की 2 0, 2 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं ना, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 2। ठीक है,
अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, तो 4 4 24 4 96 होता है। इसको बेटा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास आ रहा है 1.4। और भी पूरी वैल्यू निकालेंगे जब आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.414। ऐसे इसका आप क्यूब रूट निकालेंगे, और जब बच्चों आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो आएगा 1.26। क्या आएगा? 1.26 आएगा, ठीक है। अब देखो स्क्वायर आ गया, 1 का भी 2 का भी नंबर लिखा आपने, 1 दोनों का स्क्वायर किया, फिर लिखा 1 2 दोनों का क्यूब किया, फिर लिखा 1 2 दोनों का स्क्वायर रूट किया, फिर लिखा 1 2 और दोनों का क्यूब रूट किया। तो आप ये काम कर लेंगे। ये काम बच्चों आपको, ये चीज़ अब आपको एक बुक में गिवन है। किस में गिवन है? बुक में, एक बुक में आपको ये चीज़ गिवन है, ओके। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि ये टेबल आपको क्या बता रहा है, ठीक है। मैं आपको इसी टेबल के बारे में बता रही थी, आप समझ गए हैं ना। तो अब ये टेबल आपको सभी नंबरों के बारे में बताएगा। अच्छा देखो, इस टेबल से अगर आपको 15 का स्क्वायर ढूंढना है, आपको याद है 15 का स्क्वायर, आप जानते हैं 15 का स्क्वायर, बट अगर आपको इस टेबल से ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे n में हमारे पास कहाँ पे 15 लिखा है, आपको ये 15 मिला। फिर आप देखेंगे स्क्वायर्स में हमारे पास 15 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 225। 15 का क्यूब कितना आ रहा है, 3375। स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 3.873। और क्यूब रूट आ रहा है 2.466। तो ये हो गया। अब देखो इससे कैसे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। देखो कह रहा है रीड द वैल्यूज फॉलोइंग फ्रॉम द टेबल। केवल टेबल से इस वैल्यू को रीड करनी है, ठीक है। रीड करके आपको आंसर लिखना है। पहला आपका क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन इज स्क्वायर ऑफ 23। आप जानते हैं इसको कि ये 23 का स्क्वायर होता है, आप इसको फाइंड भी कर लेते हैं। आप जानते हैं इसका स्क्वायर 529 होगा, लेकिन अब इसको क्या करना है, बुक से रीड करना है, बुक की टेबल से। तो बुक में टेबल में देखेंगे आप, सबसे पहले 23 कहाँ पे राइट है, देखो ये मिल गया ना आपको, क्या मिला, 23। अब देखो 23 का स्क्वायर कितना है, 529। क्यूब कितना है, 12,167, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, बस आपको जो भी चीज़ देखना होगा इसी में से देख लेंगे, ठीक। अब आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 49 का स्क्वायर। तो 49 देखो आप, 49 ढूंढिए कहाँ पे है, ये है 49। 41 2 3 4 5 6 7 8 9 49। 49 मिल गया आपको। 49 का क्या चाहिए, स्क्वायर या क्यूब, आप देख रहे हैं आपको 49 का स्क्वायर चाहिए। ये है 49 का स्क्वायर कितना, 2401, ठीक है। 2401 इज द स्क्वायर ऑफ 49। नेक्स्ट इज स्क्वायर ऑफ 28। तो आप 28 को सर्च करेंगे टेबल में, टेबल में देखो 28 कहाँ पे राइट है, दिस इज द 26 एंड 28। 28 का स्क्वायर कितना है, 784। आप फाइंड कर लेते हैं लेकिन आपको टेबल से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं कुछ आगे बताती हूँ। जैसे कह रहे हैं 12 नंबर, अंडर रूट 26। 26 का क्या ढूंढना है, अंडर रूट ढूंढना है। तो पहले देखो 26 कहाँ पे है, यानी स्क्वायर रूट ढूंढना है ना। तो आप देख रहे हैं ये है 26, ये क्या है 26, दिस इज़ द 26 ना, ये आपका क्या है, ये आपका 26। 26 का ये स्क्वायर है, ये क्या है 26 का स्क्वायर, ये क्या है क्यूब, और ये क्या है बच्चों स्क्वायर रूट। यही आपको सर्च करना था, कितना आ रहा है 5.099, ठीक है। तो आप आंसर में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 26 इज इक्वल टू 5.099। ये तो है, आपने बुक से रीड कर लिया। अगर आपको बुक से ना रीड करना तो आप फाइंड करते, है ना। कैसे फाइंड करते, डिवीजन मेथड से। आपको आता है डिवीजन मेथड से फाइंड करना, कैसे लोग करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 26, ठीक है। पेयरिंग करेंगे, 5 टेंस जाएंगे, 5 5 25, और उसके बाद हम लोग कर लेंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बस आपको क्या करना है, केवल टेबल जो बुक पे दिए इस टेबल से रीड करके लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यूजिंग द टेबल, यूज़ द टेबल, टेबल को यूज़ करके आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई क्या करना है, 35 का क्यूब आपको वेरीफाई करना है, क्यूब ऑफ 35 यू हैव टू वेरीफाई,
क्यूब ऑफ 35 प्लस क्यूब ऑफ 15 इज इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट 35 प्लस 15, और एक ब्रैकेट और है आपके पास जिसमें लिखा हुआ है 35 का स्क्वायर माइनस 35 इंटू 15 प्लस 15 का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब बच्चों आप इसे प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई का मतलब, यहाँ पे देखो इक्वल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इक्वल। तो इस इक्वल को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप दोनों को क्या करेंगे, प्रूफ करके इक्वल करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS डालिएगा। LHS में लिखा हुआ है 35 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब, ये लिखा है। अब ये आपको फाइंड नहीं करना है, आप कहेंगे मैम फाइंड नहीं करना तो करेंगे कैसे, टेबल से, क्योंकि आपके बुक में लिखा हुआ है यूज़ द टेबल। देखो क्या लिखा है, यूज़ द टेबल टू वेरीफाई, टेबल को यूज़ करके इसे वेरीफाई करना है ना। देख रहे 35 का क्यूब, तो पहले 35 टेबल में सर्च करो 35 कहाँ है, ये देखो ये आपका ये आ गया 35, ठीक है। अब 35 का क्यूब स्क्वायर देखा आपने 1225, क्यूब देखो क्या आ रहा है 42875, इसका क्यूब कितना आ गया 42875, ये किसका क्यूब है, 35 का, ये 35 का क्यूब है। उसके बाद आपको क्यूब किसका लिखना है, 15 का, तो आप टेबल से ही 15 का क्यूब सर्च करिए, ये देखिए ये है 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है 15 आपका मिल गया, ये 15 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर एंड दिस इज़ द क्यूब ऑफ 15, ठीक है। कितना आ गया 15 का क्यूब, 3375, ठीक। इन दोनों को क्या करना है, 3375 इन दोनों को क्या करना है बच्चों, प्लस करना है, कर लीजिए प्लस, ठीक। प्लस करेंगे आप, 5 और 5 कितना हो गया 10, 7 और 7 14, 14 और हमारी जो कैरी आई थी 1, 5, 5 का 0 कैरी 1, 8 और 3 11, और जो कैरी आई वो हो गया 11 और 1 12, 12 में 2 कैरी 1, 2 और 3, 5, जो कैरी आई थी बन गया 6, यहाँ पे बचा ओनली 4, ये आ गया बच्चों आपका LHS। LHS कितना आ गया, 46,250, ये क्या आ गया, LHS आ गया, ठीक है। आपका LHS आ गया 46,250। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप RHS सॉल्व करेंगे। RHS देख रहे हैं ना, ये है आपका RHS, यही तो है। RHS में जो लिखा है उसको लिखो, RHS में क्या लिखा है, RHS में लिखा है 35 प्लस 15 वन ब्रैकेट में और अंडर ब्रैकेट, ये मल्टीप्लाई में है बच्चों, मेरे पास एक मिनट रुक जाइए, ये है RHS 35 प्लस 15 अंडर ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ 35 माइनस 35 इंटू 15 प्लस 15 प्लस यहाँ पे क्या है, प्लस है इंटू 15 प्लस में प्लस 15 है सर, ये ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसी को सॉल्व करके क्या करना है, बराबर दिखाना, ठीक। तो दिखाओ, 35 में पहले 15 को क्या करना है, प्लस करना है, 35 और 15 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे आ गया 50, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, लगा दीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ 35, 35 का स्क्वायर टेबल से देखो कितना होता है 1225, चेक कर लेना 12 से कितना आ गया, टेबल से कितना आ गया 35 का स्क्वायर 1225, माइनस मल्टीप्लाई करिए 35 5 जो 75, 15 5 जो 75, सॉरी 13 बोल दिया,
15 फाइव जो 75 और 5 कैरी आ गया 7, 15 थ्री जो 45, 45 और 3 40, 15 थ्री जो 45 और 45 और 7 52 हो जाएगा। आ गया यहाँ पे 52 प्लस 15 का स्क्वायर, ये हो गया 225। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये प्लस में है, ये प्लस में है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1225 में 225 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1450 और उसमें माइनस करना है 525। तो जब इसको माइनस करेंगे आप, ये बच्चों 1450 है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25, 14 में 5 माइनस करने पे 9। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 25 5 125 45 6 46। देखो क्या आपको दोनों तरफ सेम नंबर दिखाई दे रहा है, इधर भी LHS में भी कितना आ गया 46250, RHS में भी कितना आ गया 46250। अब आप लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यानी LHS RHS के बराबर है, यानी कि हेंस वेरीफाई, VERIFIED, वेरीफाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब देखिए बच्चों आज का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस इवैल्यूएट करना है टेबल से देख के। ठीक है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द टेबल। देखो इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द टेबल, टेबल को यूज़ करके इसे इवैल्यूएट करना है। जैसे देखो आपके पास दो क्वेश्चन दिया है, मैं दो बता दे रही हूँ, आप सारा कर लेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका स्क्वायर ऑफ 19 प्लस क्यूब ऑफ 10। तो टेबल से इसको देखना है, देखो 19 का स्क्वायर देखना है। सबसे पहले देखो टेबल में 19 कहाँ है, देख लिया हमने, ये है 19, देखो ये है 19 और 19 का स्क्वायर कितना है 361, तो आप लिख दो इसमें 361। फिर दिया है 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना हो, आपको पता है ये 1000 होता है लेकिन इसमें देखना है, तो देख लो यहाँ पे कितना है 1000। ठीक है, तो ये आ गया 1000, और 1000 में 361 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1361, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस सिंपल है, कर लेंगे ना, खत्म एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में और कुछ था ही नहीं, 3 क्वेश्चन है, तीनों कंप्लीट हो गए। अब बच्चों आपने स्क्वायर का क्वेश्चन देख लिया, अब आप देखो कि यही सारे क्वेश्चन क्यूब में कैसे करते हैं। ठीक है, देखो जैसे नाइन्थ में क्या दिया है, नाइन नंबर में दिया है, एक लास्ट है, नाइन नंबर में दिया है अंडर रूट टू प्लस क्यूब रूट टू माइनस क्यूब रूट थ्री। तो कुछ नहीं करना है, बस केवल वैल्यू ही रखनी है। ठीक है, देखो रूट टू की वैल्यू ना, यानी स्क्वायर रूट टू की वैल्यू, स्क्वायर रूट टू की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखो 1.414 आ गया, 1.414 प्लस लगा है, प्लस लगाओ, क्यूब रूट टू दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.260। ठीक है, तो 1.260 हो गया, माइनस क्यूब रूट थ्री, थ्री का क्यूब रूट कितना दिया है 1.442। ठीक है, ये सारी वैल्यूज राइट हो गई हैं। ठीक, आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना 1.414, ये हमने टेबल से देख के लिखा, इसको भी टेबल से देख के, इसको भी टेबल से देख के। ठीक है, अब क्या हो गया, सबको हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक, तो प्लस कर लो, 4 इसमें प्लस ही हो जाएगा, 4 में 0 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, 6 और 1 7, 4 और 2 6, 112 डेसिमल के नीचे डेसिमल, माइनस क्या करना है 1.442 माइनस करना है। ठीक है, 1.442 तो माइनस कर दो, 4 में 2 माइनस होगा 2, 7 में 4 माइनस होगा 3, 6 में 4 माइनस होगा 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 में 1 माइनस होगा 1, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अब क्या करेंगे हम 4.5
3 को भी कंप्लीट कर लेंगे. ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक.